मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 4 महीने के लिए बढ़ा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब दिसंबर 2021 की जगह 31 मार्च 2022 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी मिली। श्री ठाकुर ने बताया कि इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का प्रयास होगा। जो दोनों तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल के फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को भारत सड़क परियोजना के लिए एक बड़ी राशि देने और राज्य में इथेनॉल उत्पादन के लिए स्वीकृति देने से बिहार के विकास को और गति मिलेगी। यह आने वाले वर्षों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हमने स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद दिया कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 17 सितंबर और 2 अक्टूबर को टीकाकरण बिहार सरकार के माध्यम से हुआ है।